हाजीपुर जिला महामंत्री लोकेश पांडे पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 13 दिन बीतने के बाद भी दुर्ग पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इससे बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों में काफी आक्रोश है। भाजयुमो का कहना है कि हमला जान से मारने की नियत से किया गया था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया और घटना के 13 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो सब आपके सामने ही दिख रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को जो खुलेआम घूम रहे हैं, हम मुझे फोन भी कर रहे हैं बात करने का। मुझे अपराधी तो एक प्रवृत्ति के अगर हम लोग उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इसी कारण दुर्ग पुलिस की ये दुर्गति है मेरे हिसाब से, तो जो कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन को एक नॉर्मल व्यक्ति से कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें सुप्रधान मामला जहाँ पर दोनों पक्ष लड़ाई लड़े थे, दोनों को चोटें आई थी, उसमें काउंटर का अपराध काम किया गया है। और जहाँ तक जो जिस प्रश्न का आप उत्तर चाह रहे हैं उसमें धाराएं बढ़ेंगी, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, बिना इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंट और डॉक्टर ओपिनियन के आधार पर उसमें धारा का कोई संभव नहीं है और डॉक्टर ओपिनियन के उपरांत उसमें अतिरिक्त कार्रवाई की।